अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्वामी, और कितना वक्त लगेगा? हाँ, बस हो गया। तू जो बना रहा है वो चीज क्या है? बॉक्स कैमरा। मेरे क्लास में अकबर अली है ना, उसने सिखाया मुझे। हाँ हाँ ठीक है। स्वामी, राजम ने हमेशा वाली जगह पे मिलने को कहा था। सच्ची? कितने बजे? अभी। बाप रे। ए, 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 स्वा क्यों स्वामी, मणि बता रहा था तुझे अपना नया स्कूल अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अल्बर्ट मिशन छोड़ा है क्यों? तू भी बात करता है। तुझे याद नहीं मुझे उस दिन हेडमास्टर ने कैसे जानवर की तरह मारा? तू मेरी जगह होता तो लात मार के भाग जाता। मैं तेरी जगह होता तो इन राजनीतिक हड़तालों से दूर ही रहता। हाँ तू जो कह रहा है वो सच है, मुझे उस दिन घर चले जाना चाहिए था। हाँ चल स्वामी, जो हो गया सो हो गया, भूल जा। हे, हमें क्रिकेट टीम शुरू करे तो? हे! ए, 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 मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। खेलने से पहले सबको ऐसे ही लगता है, मुझे भी कहाँ आता है, फिर भी सारे खिलाड़ियों के फोटो जमा करता हूँ ना। मालगुड़ी के सारे टीमों को हरा देंगे, मेरे स्कूल के उस टीम को भी। वो समझते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या बोर्ड स्कूल वाले ये समझते हैं? हम उन्हें भी आराम से हरा देंगे। बिल्कुल। सोमू सोमू सोमू, अपनी टीम का क्या नाम रखेंगे? तुझे नहीं मालूम? एमसीसी। एमसीसी? वो तो हब की टीम का नाम है। वो हमें अदालत ले गए तो क्या हुआ? मैं जज से कह दूंगा एमसीसी का मतलब है मालगुड़ी क्रिकेट क्लब। फिर भी कोई दूसरा नाम ही रखते हैं। ठीक है तू कोई नाम सुझा। 11 पहलवान। मणि, क्रिकेट टीम के लिए नाम चाहिए। एक्सेलसियर यूनियन। टिम टिम तारे। अच्छा नहीं। 11 दोस्त। अच्छा है। विक्टरी यूनियन 11। हाँ हाँ हाँ, नाम सुनते ही सब डर जाएंगे। नहीं, कल शाम मेरे घर पे मिलते हैं, स्कूल खत्म होते ही आ जाना। ये क्या है? JUN। बताता हूँ, ये है जूनियर विलर्ड, राटों का राजा है। सब बेग जैसे दिखते हैं। अबे उल्लू, कुछ नहीं आता तो चुप क्यों नहीं बैठता? हमारी टीम का जमादार बनने के भी लायक नहीं तू। स्वामी, इस बैट में सचमुच के स्प्रिंग्स होते हैं, इसीलिए बैट के बॉल को लगते ही बॉल एयरप्लेन की तरह उड़ जाता है। सच्ची? हाँ। सूची में लिख दे। हाँ। बैट। ए, कितने लिखूं? तीन। ठीक है मणि? तीन क्यों, दो बस है। ठीक है। टू टू मेसर्स विंस मैट्रस फ्रॉम एमसीसी मालगुड़ी। डियर सर, प्लीज सेंड टू आवर टीम टू जूनियर विलियर्ड बैट, सिक्स बॉल्स, विकेट्स एंड अदर थिंग्स क्विक। इट इज वेरी अर्जेंट, वी विल सेंड यू द मनी आफ्टरवर्ड्स। डोंट फियर, प्लीज अर्जेंट, यूर ओबीडियंटली कैप्टन राजम। साइन करके पोस्ट कर दो। वाह स्वामी वाह। नमस्कार। पर डियर सर और ऑब्लाइज क्यों? अंग्रेजी में चिट्ठी ऐसे ही लिखते हैं। राजम,
तुम्हारे तमिल के पंडित आ गए, आओ। अच्छा बच्चों कल आना। हाँ अच्छा दोस्तों, पर राजम अब तक सूची तैयार नहीं की हमने, कल स्वामी के घर में मिले। तू मेरे घर आएगा? हाँ सच्ची? मैं नहीं आ सकता, कल मेरे चाचा आने वाले हैं। तुझे किसने पूछा? तू मेरे घर आएगा? खा कसम खाई। राजम आया। रुद्र स्वामी तेरी टोपी एक दिन के लिए उधार देना। क्यों? राजम मेरे घर आने वाला है तो टोपी के बिना उसका स्वागत कैसे करूं? नहीं नहीं ए आमचोर, बता दो राजम की माँ को। आग में फेंकना मत। नहीं नहीं कभी नहीं, खद्दर कीजिए। माँ माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। एकली कैसी है? अच्छी है, तेरी माँ ने बनाई है ना? हाँ और एकले। राजम क्रिकेट टीम शुरू करने के लिए सरकार को टैक्स भरना होगा। सरकार तो हर चीज पर टैक्स अदा करती है, पर हमें क्यों भरना होगा? अरे टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार एमसीसी को पहचानेगी कैसे? हमें जेल में बंद कर दिया तो? क्रिकेट टीम के दो अलग अलग नाम रखे तो? दो अलग अलग टैक्स भरने पड़े तो? शाह सरकार की भी हद होती है, टैक्स दिए बगैर हम खेल भी नहीं सकते। अब पता चला महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार से क्यों नफरत करते हैं। कोई बात नहीं दो अलग टैक्स भर देंगे। पर टैक्स के पैसे किसे भेजेंगे? गवर्नर को पैसे भेज देंगे। पर कितने पैसे भेजेंगे? तू हर बात पे मुसीबत खड़ी करता है। राजम टैक्स के बारे में हर आदमी को... बस बहुत हुआ, मैं पिताजी से बात करके इस उलझन को सुलझा दूंगा। टीम की सूची लाया? हाँ राजम शुक्रवार तक तू और मैं लोगों को टीम में शामिल कर लेंगे तो बैट बॉल के आने तक पूरी टीम तैयार हो जाएगी। सामान आने में 8-10 दिन लग जाएंगे, हमें प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। पर हमारे पास बैट बॉल तो नहीं है। जो कुछ भी है उसी से काम चला लेंगे। हाँ मेरा गधा भी अच्छा काम आएगा। नहीं गधा नहीं। ठीक है मैं सबको खबर कर दूंगा। राजम राजम कब प्रैक्टिस शुरू करेंगे और कहाँ? कल शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। मटर तू तेरे साथ स्टंप्स ले आना। ये मटर का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? स्टंप्स के बिना हम प्रैक्टिस कैसे शुरू करेंगे? हो रहा स्टंप्स लाया है या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। स्टंप्स कहाँ है? मिले नहीं मुझे, कल ले आऊंगा, पिताजी को पता होगा। कब से ठहरे हम तेरे लिए पता है? यूं ही हाथ हिलाते आना था तो पहले क्यों नहीं आया? घंटों से ढूंढ रहा था, पहले ही आ जाता तो ढूंढता कैसे? आज प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। क्यों? स्टंप्स के बिना कैसे खेलेंगे? राजम राजम तेरे आंगन में खेलेंगे। हाँ दीवार पर कोयले से स्टंप बनाए तो? हाँ मेरा गधा है ना उसके साथ लकीरें खींचेंगे। वाह क्या दिमाग चलाया है। चलो जो सबसे आखिर में पहुंचेगा वो देशद्रोही है। ए भाग, ए मटर भाग, ए भाग देशद्रोही। स्वामी तू तैयार है? हाँ कैप्टन। सोमू स्टंप जल्दी रख और मिड ऑफ पर खड़े हो जा, जल्दी कर। भगवान का नाम ले और बॉल डाल। बहुत अच्छे स्वामी बहुत अच्छे, आज से मैं तुझे टेड करके बुलाऊंगा। टेड? वो कौन है? अरे टेड दुनिया का सबसे तेज बॉलर। इसका मतलब क्या है? मतलब है सरकार और बिंस कंपनी ने हमारी टीम को स्वीकार किया है। पर इसका मतलब क्या है?
कोई मतलब मतलब नहीं, हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। और वो 25% चिट्ठी को वापस भेज दें? नहीं भेज सकते हैं। देखा नहीं इस पे क्या लिखा है, टू द कैप्टन मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, यानी कि राजम को। गुड इवनिंग बॉयज। गुड इवनिंग सर। राजम तेरे पिताजी को चिट्ठी दिखा दे तो सब काम हो जाएगा। टोपी क्यों पहने हो, लाइन से क्यों बाहर हो? मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। प्लीज सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मैंने ड्रिल किया तो शायद मर जाऊंगा। सचमुच सर। तुम्हें हुआ क्या है? आप मेरा कष्ट नहीं समझते, मुझे क्या बीमारी है वो भी नहीं पूछते। अच्छा बताओ क्या बीमारी है तुम्हें? सर कल सारी रात मुझे उन्मत्त प्रलाप हो गया था, डिलीरियम। डिलीरियम? पागल हो गए हो क्या? जाओ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। मैं तो सारी रात सोया भी नहीं, मुझे वो उन्मत्त प्रलाप हो गया, डॉक्टर ने भी कहा। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं, मगर तुम पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हो, इसलिए जाओ सर। इससे पहले कि मैं ना कहूँ भागो यहाँ से। थैंक यू सर। चामी, क्या है, क्या चाहिए? मैं तुझे 6 पैसे दूंगी, उसमें से 3 पैसे के मेरे लिए नींबू ले आना, बाकी के 3 पैसे तू रख ले। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है रे, मैं 10 गिनूं उससे पहले ही तुझे आना होगा। हाँ 10? इतनी जल्दी है तो खुद ही ले आओ। चामी कहाँ था तू, अभी खोल रहे थे ड्रिल क्लास, जल्दी। राजम इसी तरह खेलता रहा ना तो वायमयू वालों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वायमयू? कौन वायमयू? यंग मैन्स यूनियन, राजम ने उनको भी चिट्ठी लिखी है। अच्छा हम उनके साथ मैच खेलने वाले हैं? शायद। ए भगवान क्या हुआ? नींबू। नींबू? दादी। दादी? पेट में दर्द। किसके? तेरे? नहीं रे, दादी माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, नींबू मांगे, पैसे भी दिए, देर हो गई थी ना, मैं पैसे फेंक कर यहाँ खेलने आ गया। कमीने, कैसा लड़का है तू? हाँ मैं कमीना हूँ, दर्द बहुत बढ़ गया होगा ना। और नहीं तो क्या? सुन स्वामी, दादी जितना और कोई प्यार नहीं करता, समझे? भाग। दादी माँ, दादी माँ, अब पेट कैसा है तुम्हारा? तू आ गया चामी, खाना खाया तूने? नहीं अभी नहीं, पेट अभी भी दुख रहा है।
नहीं रे राजा। नीबू, नीबू मिला तुम्हें? चामी, तू गया नहीं ना नींबू लाने? अच्छा किया, रसोई घर में तेरी माँ के पास 10 नींबू पड़े हुए थे। दादी माँ, जानती हो राजम ने हमारी टीम पर कितने पैसे खर्च किए हैं? आज हमारा सारा सामान आ गया। बैट बॉल खरीदना कोई मजाक नहीं दादी माँ। हाँ, सच है। सरकार भी हमें पहचानती है। तुम देखती जाओ अब हमें क्रिकेट में कितने पुरस्कार मिलेंगे। क्रिकेट? वो क्या होता है? मजाक कर रही हो, क्रिकेट नहीं जानती? नहीं रे राजा। तुम्हारे जमाने में मर्द और लड़के क्या करते थे शाम को? सारा दिन पूजा पाठ में बिताते होंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्रिकेट समझाता हूँ। हाँ राजा, समझा तू अभी। एक खेल एक या दो लोगों का नहीं। दो लोगों का नहीं, दो टीम खेलते हैं। अच्छा, 11 लोगों की एक एक टीम। 11 लोग? दो बल्लेबाज दो तरफ खड़े होकर रन्स बनाते हैं, समझी? किस विषय पर प्रवचन दे रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। चलो सुनाओ, मैं भी तो सुनू। कुछ नहीं दादी माँ, क्रिकेट के बारे में कुछ जानना चाहती थी, मैं उन्हें समझा रहा था। माँ, स्वामी ने तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक समझा दिया ना? बेचारे बच्चे को मत चिढ़ा सीनू, कितना प्यार करता है ये मुझे, इसकी वजह से तो इतनी बातों का पता चलता है मुझे। तुम सबको मेरे साथ बातें करने की फुर्सत ही कहाँ, अब तो बड़े हो गए हो ना। उसे जरा बड़ा होने दो, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। इस बुद्धू की तरह नहीं, बहुत अकलमंद है वो। 10 महीने पूरे नहीं हुए, बात करने लगा है अभी। नो बॉल कैप्टन। ये क्या स्वामी, फिर से देर कर दी तूने। ड्रिल क्लास था ना, भाड़ में गए तेरे ड्रिल क्लास और स्काउट क्लास, जल्दी क्यों नहीं आ सकता तू? तू ही बताना मैं क्या करूँ कैप्टन। मैं क्या बताऊँ, जब से नए बैट बॉल आए हैं तू 4 बार भी नहीं खेला उनके साथ। इसी तरह प्रैक्टिस करे तो जीत चुके हम मैच। राजम राजम, अब आया हूँ ना, प्रैक्टिस कर लूँ। तू बैटिंग करेगा, मैं बॉलिंग करता हूँ। तू बॉलिंग कर, मैं थक गया हूँ, 4 बजे से खेल रहा हूँ। ए स्वामी, बॉलिंग कर। हाँ रुद्र स्वामी। आउट। स्वामी, वो हमारा इकलौता बॉलर है, अगर मैच खेले ना तो पूरे 10 के 10 विकेट तुझे ही लेने होंगे। 10 के 10 मुझे? हाँ, बॉलिंग के लिए तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। बैटिंग भी कच्ची है हमारी। हाँ हाँ। अरे बैटिंग की तू फिक्र मत कर, मैं अकेला एमसीसी के लिए 500-600 रन बना लूंगा। तू 500-600? हाँ कैप्टन साहब। आपको जानकर खुशी होगी कि यंग मैन यूनियन वालों ने हमारी ललकार को स्वीकार किया है। हे भगवान, पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है ना? नहीं, पर रविवार को YMU वालों का कैप्टन हमें मिलने आ रहा है। हम यहाँ खेल सकते हैं। चलो, तो हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं तुम्हें? जरा ठहर, इसका क्या मतलब है? बैट बॉल स्टंप्स इत्यादि अगर टूटे तो पैसे तुम्हें भरने होंगे। इस शर्त की क्या जरूरत है, हम तो अपने बैट बॉल से अपने इनिंग खेलने वाले हैं। पर स्टंप्स तो हमारे MCC के होंगे ना बच्चों? अगर स्टंप्स टूटे तो आधे पैसे हम भरेंगे, पर ये इत्यादि क्या है? इत्यादि? अगर तुम्हारा MCC इतना कंगाल है तो हमारे YMU ग्राउंड पर खेलो। क्या कहा? बाकी की शर्तें मंजूर है ना, तो मैच की तारीख तय करेंगे। ठीक है, और इसको संभाल लेना। हाँ मैं संभालूंगा, तो अगले रविवार को मैच खेले। 27 तारीख को? हाँ 27 को खेलेंगे। तो अगले रविवार को मैच तय हुआ। संभाल कर MCC, हम तुम्हारा कीमा बना देंगे। Yeah!